हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी अरवी की सूखी सब्जी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। ज़्यादातर इसे पूड़ी और पराठे के साथ खाना पसंद करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो अरवी की सब्जी बनाने के लिए मैंने अरवी को पहले धो लिया है अच्छे से। अब मैं अरवी को एक कुकर में डाल लूँगी और 1 गिलास पानी डाल दूंगी और थोड़ा सा नमक। और एक सीटी लगाने के बाद मैंने अरवी के ऊपर से छिलके को उतार लिया है। अब मैं अरवी को बीच में से काट लूंगी। आप चाहे तो अरवी को गोल गोल भी काट सकते हैं, लेकिन ऐसे लंबे लंबे काटने से अरवी की सब्जी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ऐसे ही मैं सारा काट लूंगी। फ्राई पैन में सरसों का तेल डाल दूंगी। तेल को थोड़ा सा गर्म होने दूंगी। फिर मैं इसमें जीरा डाल दूंगी। जीरा को थोड़ा सा चटकने दूंगी। फिर एक प्याज डाल दूंगी। प्याज को मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया है और प्याज को भी थोड़ा सा भून लेंगे। प्याज को हम 1 मिनट तक भूनते रहेंगे। एक मिनट के बाद देखिए प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब मैं इसमें 2 कटी हुई हरी मिर्च डाल दूंगी। हरी मिर्च को भी मिला के भून लेंगे। फिर मैं इसमें मसाला डाल दूंगी। तो आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, अगर तीखा आप कम खाते हैं तो कम डालिएगा, और आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर। मसाला को भी मिला के भून लेना है। थोड़ा सा भूनने के बाद मसाला, फिर मैं इसमें एक टमाटर डाल दूंगी। टमाटर को मैंने कद्दूकस कर लिया था और मसाले के साथ मिला के थोड़ा सा भूनते रहेंगे मसाले को। फिर मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी और नमक को मसाले के साथ मिला लेंगे और ऐसे थोड़ा सा भूनते रहेंगे। फिर मैं इसमें कटी हुई अरवी को डाल दूंगी और मसाले के साथ मिला के 2-3 मिनट तक फ्राई करते रहेंगे। 2-3 मिनट के बाद देखिए अरवी में मसाला अच्छे से लग गई है। अब मैं इसमें आधा गिलास पानी डाल दूंगी और पानी में मसाले और अरवी को अच्छे से मिला लेंगे। 5 मिनट के लिए ढक देंगे। 5 मिनट के बाद मैं ढक्कन को हटा लूंगी। तो देखिए ग्रेवी काफी हद तक सूख गई है। अब मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल के मिला लूंगी। और ऐसे ही थोड़ा सा पकने देंगे। थोड़ा सा पकने के बाद गैस को मैंने बंद कर दिया है। अब मैं अरबी को एक प्लेट में निकाल लूंगी। तो दोस्तों, अरवी की सूखी सब्जी की रेसिपी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।